हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज बात कर रहे हैं यह आइसोमेरिज्म का डीपीपी फर्स्ट का सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में हम लोग कंसेप्ट भी देखेंगे और कुछ ट्रिकल काम भी करेंगे इस पर कि किस तरह से जो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है विदाउट कैलकुलेशन का। तो जहां पर कॉन्सेप्ट इस तरह के आएगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को बताते चलूंगा, उसको जो उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फैक्टर। टाइम आपको बचाना जरूरी है, क्योंकि जब टाइम एक क्वेश्चन पर जो है सो आप टाइम बचाते हैं, तो वह जो है सो उसी टाइम को फिर दूसरे क्वेश्चन पर आप लगा सकते हैं। इसीलिए जो है सो आप इस चीज को जो है सो ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ से कहता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ आइसोमेरिज्म डीपीपी फर्स्ट का कहता है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड। तो ये तो पहले से ही वेल नोन है और पता ही है कि यह जो है सो आइसोमर्स कहलाएगा, जिसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो इसके लिए जो आंसर जो लिखेंगे वह जो है सो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आइसोमर्स आर इसेंशियली आइडेंटिकल, मतलब इसमें से जो आइडेंटिकल कंडीशन कौन होगा, कौन सा चॉइस को ये फुलफिल कर रहा है, मतलब कि इसके लिए एक सर्टेन कंडीशन होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होगा जो कि आइडेंटिकल होगा, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ से कहता है आइसोमर्स आर इसेंशियल आइडेंटिकल, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज करता है। अब यहाँ पर जो है सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये जो है सो हमेशा जो है सो कॉन्स्टेंट होता है, मतलब आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसके लिए जो है सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर्स ऑफ 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन। तो देखिए इसके लिए जो है सो सबसे पहले क्या करना है कि पेंटेन जो है सो 5 कार्बन का चेन है, तो इस जो है 5 कार्बन का चैन, और इधर से यदि काउंटिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 पर जो है सो 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है सो 7 है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, बस इस चीज को देखिए कि जो है सो ब्रांच में हो चाहे जो हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। तो देखिए कि आप यदि ये जो है सो ये भी जो जैसे यहां से यदि हम चले तो 2-मिथाइल हेक्सेन, मतलब कि हेक्स का मतलब 6 कार्बन और ये कार्बन मिथाइल वाला 7 कार्बन, मतलब ये हो सकता है, ये संभावना है कि ये आइसोमर्स बनेगा। दूसरा जो है 2,3-डाइमिथाइल पेंटेन, तो 2,3 मतलब एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ से उठाकर यदि हम यहाँ पर रख दें, फिर भी ये जो है सो आइसोमर्स बन सकता है, चूंकि 5 कार्बन का चेन है तो ये आइसोमर्स बन सकता है और वो कार्बन का पोजीशन चेंज है। अब यहां से देख सकते हैं कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, और देखिए यहां से ब्यूट 4 कार्बन, अब 4 कार्बन और 2 कार्बन यहाँ, एक 2 पर और एक 3 पर, तो यहां से जो है सो ब्यूट यानी कि ये जो 4 और 2 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का कंपाउंड जो है यह आइसोमर्स इसका नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर जो मतलब क्लोज चेन भी लेंगे तो वहां पर भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का संख्या मेंटेन नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब कि बस इसको इस तरह से ऐसे तो स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, लेकिन बस विदाउट कैलकुलेशन को सोच सकते हैं, और वह जो है सो इस टाइप से आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेप्टेन है, तो हेप्टेन 7 कार्बन, तो 7 कार्बन तो यहाँ 7 कार्बन तो यहाँ पर कहीं रहा, तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता क्योंकि पैरेंट चेन 4 कार्बन का और 2 कार्बन यहाँ, तो 4 और 2 6 होगा, यानी ये जो है सो इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ से जो है सो आप लिख सकते हैं सी। तो इस तरह से कहीं कहीं पर जो है सो यदि आपका ट्रिक की जरूरत है, तो उस ट्रिक को जो है सो मदद से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी फैक्टर जो है यहाँ पर आपका टाइम है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जैसा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइम सेविंग है, और उस टाइम सेविंग को आप बचाकर किसी जैसे टफ प्रॉब्लम पर उसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो है सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप इजी वे में बाय ट्रिकली सोल्व कर सकते हैं इसको। तो इस तरह का और भी कंसेप्ट मैं आगे भी बताते चलूंगा कि किस तरह से जो है सो आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेन रीजन जो होता है स्टूडेंट का टाइम फैक्टर, ये टाइम को बचाना है और ये टाइम को जो है सो दूसरे प्रॉब्लम पर सोल्व देना है, ताकि वह प्रॉब्लम टफ है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, आप सोल्व कर सकते हैं।
और ऐसे में जो है सो मतलब यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप का जो है सो प्रॉब्लम, चूंकि मैंने बताया था कि जब मैं साथ हूँ तो केमिस्ट्री में सोचने की जरूरत नहीं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप तक पहुंचा सकता हूँ इस यूट्यूब के थ्रू से, और इसमें जो है सो केवल इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो है सो अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर्स ऑफ अदर, मतलब इसमें से ये कह रहा है कि इसमें से कौन जो है आइसोमर्स एक दूसरे का नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हमको करना क्या होगा, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसको फर्स्ट को देखिए, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्बन CH2 बन जाएगा, यहाँ पर भी दो कार्बन, एक कार्बन एक दो हाइड्रोजन, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी CH2। अब इसको जो है सो आप काउंट कर लीजिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से C6 बन गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 2 2 4 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी H10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 6 कार्बन और H10 है। अब यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन यहाँ होगा, तो यहाँ पर भी CH2 लिखेंगे, यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH2 होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर भी है, और हाइड्रोजन 2 2 4 4 और 2 6 और 6 और 2 8 और 2 10, मतलब यहाँ पर H10 ये जो है एक दूसरे का आइसोमर्स तो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन, मतलब ये जो है सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। तो इसके वजह से अब यहाँ पर देख सकते हैं CH3, यहाँ पर भी CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 यानी C6, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और 2 6 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि यहाँ से H10 बन सकता है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 1 2 3, तो यानी कि CH बन जाएगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH होगा और यहाँ पर जो CH होगा, यहाँ पर CH2 बनेगा, यहाँ पर CH होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो 6 है, लेकिन हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए यहां से, देखिए तो 2 और 2 4 4 और 2 4 और 2 6 और 6 और 2 8, मतलब H8 है, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसो चेंज कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर जैसो डिफरेंट है। तो आप इस मेथड से इसको जो है सो यहीं पर इसको आप सॉल्व कर ले सकते हैं, मतलब कि आंसर जो है सो इसका बनेगा आपको बनेगा D। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे जितने भी ऑप्शन है ये सभी में जैसे मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, यह जैसे ट्रिकल फॉर्म में इसको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें इस क्वेश्चन को जो है सो सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन कैसे क्वेश्चन पर स्ट्राइक लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देखकर कभी मायूस नहीं होना है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप ही जो है वो रिजल्ट देंगे और आप ही जो है अपने अच्छे पोजीशन पर जा सकते हैं, आप ही को डॉक्टर बनना है, आप ही को इंजीनियर बनना है, इसीलिए कभी मायूस नहीं होंगे क्वेश्चन को देखकर कि ये जो है सो क्वेश्चन जो है हमसे नहीं बनेगा, आप ही से बनेगा ये क्वेश्चन, केवल मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीका को फॉलो करना है, इसीलिए कभी उदास नहीं होना है और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए मैं जो है आपको मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आप जो है अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझे और उसको बनाने की कोशिश करें, मेहनत करें, क्योंकि आप ही को रास्ता तय करना है। कभी भी उदास होने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी ये अपने आप में फ्रस्ट्रेशन नहीं लाएंगे कि हाँ ये मुझसे नहीं होगा, मैं मेडिकल क्वालिफाई नहीं करूंगा, मैं इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर सकता, और ये कभी भी ब्रेन में नहीं लाना है इस बात को। इसीलिए मैं एक आपको शब्द सुनाता हूं कि जिंदगी जरों से गुजर सकती है, भयंकर तूफान से किश्ती निकल सकती है, हिम्मत ना हार मायूस ना हो, जिंदगी तेरी किसी भी वक्त बदल सकती, क्योंकि डूब जा खुद में इतना कि नजर आए नए जमाना, अपने आप को पहुंचा दो उस बुलंदी पे जहां तुम्हारी तस्वीर
वैसे काम करती है जैसे काम करती है आईना। यानी कहने का मतलब यहां से यही है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कभी भी जो है सो फ्रस्ट्रेशन में नहीं लाना है। आप ही जो है सो भविष्य का डॉक्टर बनेंगे, आप ही भविष्य का इंजीनियर बनेंगे। बस थोड़ी सी जरूरत है मेहनत करने का, और मेहनत कर लेते हैं तो सफलता आपके कदमों में आएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में कहता है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए कैसे ट्रिक होता है क्वेश्चन। इसमें जो है सो कहता है कि दोनों जो क्वेश्चन जो दिया गया है, ये दोनों ऑप्शन मतलब जो कंपाउंड दिया गया है, इसका क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले यहां से काउंट कर लीजिए कार्बन को। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, दोनों जैसो 6 कार्बन है। लेकिन अब यहां पर ये जैसो ब्रांच है, यानी मेन चेन जैसो ये 5 कार्बन का है, और ये जो मेन चेन, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं, मेन चेन जो है सो यहाँ पर ये 6 कार्बन का है। तो यदि कार्बन के नंबर में चेंज होता है, पैरेंट नेम चेंज होता है, इसका मतलब है कि चेन आइसोमर्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से ऑप्शन आपको बन जाएगा सी, ए बनेगा, यहाँ से चेन आइसोमर्स, और यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे ए। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, केवल जैसो थोड़ा सा ब्रेन को कंसर्स करेंगे, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके बाद देखिए कहता है गिव कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर। ये जो कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया है, इसको जो है सो कहता है कि इसमें जो है सो क्या होगा, चेन आइसोमर्स होगा, पोजीशन होगा, क्या होगा। तो इसके लिए देख लीजिए कि यहाँ पर जो है कार्बन नंबर, यहाँ पर जो है सो 1 पर ये दोनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो है ये दोनों जो है सो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन इस कंपाउंड में एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, मतलब यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप को एक ही कार्बन पर है, और यहाँ दो डिफरेंट कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब है कि इसका जैसो मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। बस इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या होगा आंसर आपका, यहाँ से आंसर लिखेंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 मिथाइल हेक्सेन एंड 3 इथाइल पेंटेन आर। ये जो है सो देखिए, अब यहाँ से पैरेंट चेन को ढूंढिए कितने कार्बन का है, ये तो 6 हेक्स 6 कार्बन, और इसमें देखिए ये पेंट 5 कार्बन। लेकिन जरा यहाँ पर देखिए कि 6 कार्बन यहाँ, और एक जो है सो कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर देखिए 5 कार्बन ये है, और इथाइल में 2 कार्बन, तो 5 2 7, यानी कहने का मतलब यहाँ पर 7 कार्बन का है, इसका मतलब आइसोमर्स तो बनेगा। लेकिन अब जो है सो देखिए कि यहाँ पर जो है ये 6 कार्बन का पेरेंट चेन, यहाँ 5 कार्बन का, 1 कार्बन का पेरेंट चेन कम है। इसका मतलब है कि जो पेरेंट चेन का कार्बन था वो ब्रांच में बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो है सो दोनों एक दूसरे का क्या बन जाएगा, यह जो है सो आपको चेन आइसोमर्स बनेगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो है सो लिखेंगे ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कंपाउंड्स आर। यह दो कंपाउंड दिया गया है, इसका रिलेशनशिप क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहां से कि यह जो है, यह जो Br और Br, यह जो है सो एक दूसरे का 180 पर है। मतलब यह जो है सो ऐसे कर सकते हैं कि यदि यहां से काउंटिंग करते हैं तो ये पैरा पोजिशन पर, यहां से इसको काउंटिंग करते हैं तो ये मेटा पोजिशन पर, मतलब ये। या फिर आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 1 2 3 4 5 6, मतलब पोजीशन जो है दोनों का जो सो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब है जब पोजीशन डिफरेंट होगा तो क्या बनेगा, पोजीशन आइसोमर। तो यहां से इसका आंसर जो है आप बता सकते हैं सी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कंपाउंड्स आर। अब इसमें क्या रिलेशनशिप, आप देख लीजिए यहां से कि यह जो Br है, यहाँ पर Br है, यहाँ से यह है। तो देखिए यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, इस मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बगल में Br है, इस मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बगल में Br है, इस मल्टीपल बॉन्ड के एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, इस मल्टीपल बॉन्ड के एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, मतलब आइडेंटिकल सिचुएशन में है। तो यानी यहां से क्या कहेगा, यह जो है सो आइडेंटिकल होगा, ठीक है।
तो यानी कि आप यहां से आंसर जो है सो इसको कर देंगे डी। ज्यादा क्वेश्चन में सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां से कहता है कि नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। देखिए यहां से अभी इस कंपाउंड को क्या करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहा है, सबसे पहले कंपाउंड देखिए साइक्लो, साइक्लो है इसका मतलब क्लोज चेन होगा, हेक्सेन है छह कार्बन का है, तो आप सीधे सीधे इसको छह कार्बन का यह साइक्लोहेक्सेन बना दीजिए। इसके बाद अब इसका नंबर ऑफ आइसोमर यहां पर देख लीजिए, दो क्लोरीन है, दो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ, तो एक क्लोरीन को यहां बैठा दीजिए, दूसरे को यहां बैठा दीजिए, एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो है सो आप इसको बनाना चाहेंगे तो एक क्लोरीन को यहीं छोड़ दीजिए। अब यदि हम ये दोनों क्लोरीन को यहां बैठाए तो भी सेम सिचुएशन, ये को यहां बैठाए फिर भी सेम सिचुएशन, मतलब एक ही ये दोनों क्लोरीन जो है जिसको एक कार्बन पर यदि एक जगह बैठाते हैं तो सभी डिफरेंट कार्बन पर भी वही सिचुएशन देगा, लेकिन एक को जहां पर है वहां पर फिक्स रखते हैं, दूसरे को चेंज करते हैं। तो एक क्लोरीन कहीं पर फिक्स कर दिया, दूसरा को चेंज कर दिए, तो एक क्लोरीन यहाँ सील कर दिए। अब इसके बाद जो है यह स्ट्रक्चर फिर देखिए कि यहाँ पर एक क्लोरीन को फिक्स रखें, इसको जो है सो फिर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर देख सकते हैं कि यह एक स्ट्रक्चर और बनेगा, यहाँ पर जो है सो एक क्लोरीन को यहाँ कर दीजिए, और फिर दूसरे क्लोरीन जो यहाँ रखे थे उसको आप यहाँ पर कर दीजिए, यानी कि अब यह सिचुएशन। अब यदि इस क्लोरीन को हम यहाँ करते हैं तो फिर यही सिचुएशन, यदि इस क्लोरीन को यहाँ करते हैं तो ये सिचुएशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा, फोर। तो यहाँ से इसका ऑप्शन होगा फोर, यानी यहाँ से लिखेंगे फोर। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है सो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता है, केवल कॉन्सेप्ट है, और टोटल जान आपके पास है, आप ही जो है सो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस अब थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, और अपने आप को जो है सो यह ठान लीजिए कि नहीं मुझे करना है तो करना है, यानी करने का मतलब कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है मुझे मेहनत करने का, बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो श्योर सक्सेस आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई डाउट नहीं, कोई मतलब कि कोई भी आपका रास्ता को क्लोज नहीं कर सकता है। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।